स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ की नॉवल द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल का लास्ट पार्ट। तो इसमें जुलाई 21, 1944 से लेकर अगस्त 1, 1944 तक के सारी इवेंट्स हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जिसमें कि हमें पता लगता है कि फाइनली ज्यूज की जो स्ट्रगल है वो ख़त्म होती है एंड उनको अब लिब्रेशन मिल गई है ऑलमोस्ट। इन्हें बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रही है, होपफुल हो रही है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ठीक से हो रही हैं अकॉर्डिंगली शी प्लान्ड। एंड एक असैसिनेशन होता है हिटलर की लाइफ पर बाय अ यंग जर्मन काउंट, सो हिटलर हैज़ बीन किल्ड, द हेड ऑफ द कॉन्स्पिरेसी हैज़ बीन शॉट। तो जो इन सब के पीछे था, जो जिसने सब कुछ ये कंस्पायर किया था, प्लान बनाया था, उसका हेड अब फाइनली मर चुका है। ऑल मिलिट्री पर्सनल आर अंडर द ऑर्डर्स ऑफ गेस्टापो, जितने भी मिलिट्री के लोग हैं, सोल्जर्स हैं, वो सब गेस्टापो के ऑर्डर के अंडर है। एनी सोल्जर हु नोज दैट वन ऑफ हिज सुपीरियर्स वॉज इन्वॉल्व इन द कोवर्डली अटेम्प्ट ऑन द फरहर्स लाइफ में शूट हिम ऑन साइड। तो अगर किसी को भी पता लगेगा, किसी सोल्जर को, कि उनका कोई सुपीरियर इन्वॉल्व है या फिर कोई भी इन्वॉल्व है फरहर की लाइफ पे, उसके लाइफ को एंड करने के अटेम्प्ट में, तो उसे देखते ही गोली मार दी जाएगी। एने बहुत ज़्यादा खुश है कि फाइनली अकॉर्डिंगली जैसे उसने सोचा था कि वो अक्टूबर में स्कूल जा पाएगी, तो अब वो स्कूल जा पाएगी क्योंकि अब चीज़ें ठीक से हो रही हैं जैसा कि उसने उम्मीद की थी। शी एडमिट्स दैट शी इज नॉट कॉल्ड अ बंडल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस फॉर नथिंग, एंड वो ये भी मानती है कि उसे अ बंडल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं बोला जाता विदाउट एनी रीजन, सो देयर इज अ रीजन। एंड वो ये भी एडमिट करती है कि दो एनेज हैं, शी स्प्लिट इंटू टू, उसकी दो पर्सनैलिटीज हैं, जो उसकी एक पर्सनालिटी है वो काफ़ी चीयरफुल है, खुश रहती है एंड चीज़ों को लाइट वे में अप्रिशिएट करती है, और जो उसकी दूसरी साइड है, उस दूसरी साइड में शी फाइंड्स नथिंग रॉन्ग इन फ्लर्टेशंस, अ किस, एन एम्ब्रेस, कोई उसको हग करे या फिर कोई एक एडल्ट जोक, कोई एक वल्गर जोक, शी फाइंड्स नथिंग बैड इन इट बिकॉज शी इज ग्रोइंग एडल्ट नाउ। द अदर साइड इज प्योरर, डीपर एंड फाइनर, उसे लगता है कि ये जो उसकी अदर साइड है वो काफी प्योर है, डीप है और फाइन है। देन शी फाइंड्स द फर्स्ट साइड ऑफ हर टेक्स ओवर द सेकेंड साइड, उसको लगता है जो उसकी फर्स्ट साइड है वो ज़्यादा डोमिनेंट है उसकी सेकंड साइड पर, क्योंकि उसे ज़्यादातर सीरियसली नहीं लिया जाता। और द फ्लिपेंट एंड लाइट हार्टेड एने टेक्स ओवर द फाइनर, सेंसिबल, सीरियस एंड रिफ्लेक्टिव एने, तो जो उसकी फन साइड है, जो वो लाइट हार्टेड है, चीज़ों को बहुत ईजिली एक्सेप्ट करती है, वो साइड डोमिनेट करती है उसकी फाइन, सेंसिबल और सीरियस एने पर, हालांकि वो ही रियल एने है, वो ही उसकी एक्चुअल साइड है। दिस इज व्हाट शी इज इन रियलिटी, शी थिंक्स ऑफ हरसेल्फ एज हैप्पी ऑन द इनसाइड, उसे लगता है कि वो अंदर से बहुत ज़्यादा खुश है लेकिन लोग सोचते हैं शी इज हैप्पी ऑन द आउटसाइड, कि वो सिर्फ बाहर से खुश है अंदर से नहीं। बट देन जब भी कोई प्रॉब्लम होती है एने को, उसकी जो प्योर साइड है वो उसको गाइड करती है। एने फील्स इट वेरी बैड दैट शी इज सराउंडेड बाय नेगेटिव ओपिनियंस, उसे अच्छा नहीं लगता कि लोग, दे आर फिल्ड विद नेगेटिव ओपिनियंस उसके लिए, उसे ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, दोज मॉकिंग फेसेस, डिसमे लुक्स, तो जो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं या फिर जो लोग उसे गुस्से से देखते हैं, शी डोंट लाइक ऑल दीज थिंग्स, कि लोग उसके बारे में कोई नेगेटिव ओपिनियन रखे, एंड हालांकि वो सराउंडेड है इन सब ओपिनियन से। शी गेट्स सैड एंड फाइनली एंड्स अप टर्निंग हर हार्ट इनसाइड आउट, द बैड पार्ट ऑन द आउटसाइड एंड द गुड पार्ट ऑन द इनसाइड। तो वो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा सैड हो चुकी है और फाइनली जो उसका अच्छा पार्ट है वो उसका इनसाइड पार्ट बन जाता है और जो उसका बुरा पार्ट है वो उसका आउटसाइड पार्ट बन जाता है। तो मतलब वो अंदर से तो बहुत अच्छी है लेकिन मे भी बाहर से इतनी अच्छी नहीं लगती होगी। एंड वो कॉन्स्टेंटली रास्ता ढूंढती है टू बिकम वॉट शी वुड लाइक टू बी,
वो बनने के लिए जो वो एक्चुअली में बनना चाहती है। अब हमें आफ्टरवर्ड बताया जाता है कि बाद में क्या होता है। 8 लोग एनेक्स में छुपे हुए थे और 2 हेल्पर्स थे, विक्टर कागलर एंड जॉनस क्लेमेन। उनको अरेस्ट कर लिया जाता है अगस्त 4, 1944 पे। तो ये अगस्त 1, 1944 की बाद की इवेंट्स है, नॉवल ख़त्म होने के बाद की इवेंट्स है जो हमें बताई जाती है। ये एने की डायरी में रिकॉर्डेड नहीं है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो अगस्त 4, 1944 को ये लोग अरेस्ट हो जाते हैं, विक्टर कागलर एंड जॉनस क्लेमेन। उनको प्रिजन में लेके जाया जाता है एम्स्टरडैम की। दे आर ट्रांसफर्ड विदाउट ट्रायल, तो कोई ट्रायल भी नहीं होती, कोर्ट केस नहीं होता। उनको एम्स्टरफोर्ट में एक कैंप में ले जाया जाता है जो कि हॉलैंड में है। क्लेमेन की हेल्थ अच्छी नहीं होती तो उसे रिलीज कर दिया जाता है सितंबर 8, 1944 पे। एंड ही रिमेन्स इन एम्स्टरडैम, वहीं पर रहता है। एंड 1959 में क्लेमेन की डेथ हो जाती है। कगलर मैनेजेस टू एस्केप हिज इम्प्रिजनमेंट ऑन मार्च 28, 1945। तो कगलर भाग जाता है जेल से मार्च 28 को। एंड ही इमिग्रेट्स टू कैनेडा, वो कैनेडा चला जाता है 1955 में। एंड फाइनली 1989 में उसकी टोरंटो में डेथ हो जाती है। जो एलिजाबेथ है बेप, शी डाइज इन एम्स्टरडैम इन 1983। जो मीएफ है दैट इज अलाइव एंड लिविंग इन एम्स्टरडैम, हर हस्बैंड जान डाइज इन 1993। तो जो मीएफ है वो अभी भी जिंदा थी, लेकिन उसका जो हस्बैंड है मर जाता है। द 8 रेजिडेंट्स ऑफ द एनेक्स आर फर्स्ट ब्रॉट टू अ प्रिजन इन एम्स्टरडैम। तो उनको एम्स्टरडैम में प्रिजन में लेके जाया जाता है। फिर उनको ट्रांसफ़र किया जाता है वेस्टरबोर्ग में, जो कि एक ट्रांजेंट कैंप होता है ज्यूस के लिए हॉलैंड के नॉर्थ में। फिर सितंबर 3, 1944 में उनको डिपोर्ट किया जाता है टू द लास्ट ट्रांसपोर्ट टू लीव वेस्टरबोर्ग। एंड 3 डेज के बाद उन्हें पोलैंड लेकर जाया जाता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें ओटो फ्रैंक से ही मिलती है, जो कि एने फ्रैंक के फादर हैं। तो एने फ्रैंक के अकॉर्डिंग जो मिस्टर वैन डैम है, गैस टू डेथ इन पोलैंड इन अक्टूबर या फिर नवंबर में, शॉर्टली बिफोर द गैस चैम्बर आर डिसमेंटल्ड। तो गैस चैम्बर में प्रॉब्लम हो गई थी, उस वजह से मिस्टर वैन डैम की भी डेथ हो गई थी, या तो अक्टूबर या नवंबर में। पीटर वैन डैम, जिसे कि एने बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, ही वॉज फोर्स टू टेक पार्ट इन January 16, डेथ मार्च में, फ्रॉम ऑस्विट्स टू मैनहुजन, जो कि ऑस्ट्रिया में है, वेयर ही डाइज ऑन May 5, 1945। एंड जब कैंप को लिबरेट किया जाता है, ये उससे बस 3 दिन पहले की ही बात है। फिर हमें बताया जाता है एडिथ फ्रैंक के बारे में, जिनकी डेथ होती है January 6, 1945 में, बिकॉज ऑफ हंगर एंड एग्जॉशन। तो उनकी डेथ एग्जॉशन की वजह से होती है। मार्गोट और एने फ्रैंक दोनों को ट्रांसफ़र किया जाता है ऑस्विच में एट द एंड ऑफ अक्टूबर, और उन्हें बोगन बेल्सन में लेके जाया जाता है, जो कि एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप होता है जर्मनी के पास। तो वहाँ पे टाइफस एपिडेमिक फैल रहा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे हाइजीनिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब होती है। एंड देवर इन कॉन्सेंट्रेशन कैम्प, तो थाउजेंड्स ऑफ प्रिजनर्स वहाँ पे मर जाते हैं, जिसमें कि एक मार्गोट भी होती है। और उसके कुछ दिनों बाद एने की भी डेथ हो जाती है ड्यू टू टाइफस। दोनों गर्ल्स की डेड बॉडीज को डंप किया जाता है बर्गन बेल्सन की ग्रेव्स में, जहाँ पे और प्रिजनर्स की बॉडी को डंप किया गया था, दफनाया गया था। मार्गोट एंड एने की बॉडीज़ को भी वहीं पे दफनाया जाता है। एंड जो ब्रिटिश ट्रूप्स हैं वो कैंप को लिबरेट करती हैं, उनको फ्रीडम देती हैं April 12, 1945 में। तो सिर्फ ओटो फ्रैंक ही थे जिन्होंने सरवाइव किया अपने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में। सिर्फ ओटो फ्रैंक ही थे उन 8 लोगों में से जिन्होंने सरवाइव किया।
After Auschwitz is liberated by Russian troops, he is repatriated to Amsterdam. तो जब कॉन्सेंट्रेशन कैंप को लिबरेट कर दिया गया तो उन्हें एम्स्टरडम लेकर गए. He arrives Amsterdam on June 3, 1945 और वहाँ पर वो 1953 तक वहीं पर रहे. फिर वो स्विट्जरलैंड चले गए जहाँ पे उनकी सिस्टर एंड उसकी फैमिली है. लेटर उनका ब्रदर भी वहाँ पे आ गया एंड ओटो फ्रैंक ने एक और शादी कर ली. ही मैरिड एल्फ्रेड मार्कोविट्स ग्रिंकर और जो कि ओरिजिनली वियना से बिलोंग करती है. एंड शी सर्वाइव्ड उन कॉन्सेंट्रेशन कैंप से, लेकिन उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी एंड साथ ही में उसके सन की भी डेथ हो गई थी. अंटिल हिज डेथ ऑन अगस्त 9, 1980. तो ओटो फ्रैंक की डेथ हुई अगस्त 9, 1980 में. ओटो फ्रैंक कंटिन्यूज टू लिव इन बोल्सफेल्डन आउटसाइड बेसल वेयर ही डिवोट्स हिमसेल्फ टू शेयरिंग द मैसेज ऑफ हिज डॉटर्स डायरी विद द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो जब तक उनकी डेथ नहीं हुई और वो बेसल में रह रहे थे, उन्होंने अपनी बेटी की डायरी जो कि आज हम पढ़ रहे हैं पूरे वर्ल्ड के साथ शेयर करी. जो भी मैसेज था उस डायरी में वो शेयर किया एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ ह्यूज सक्सेस. इसी के साथ हमारी ये नॉवल ख़त्म होती है. इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द नॉवल और दिस पर्टिकुलर चैप्टर, राइट इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड वी विल गेट बैक टू यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.